नमस्कार, मैं रोहन मुलकर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ और ये देखो प्रेजेंस वाड़ गुगली में, पावर्ड बाय एप्पल बॉक्स मीडिया एंटरटेनमेंट, क्लोथिंग पार्टनर टीवी विड एंड गिफ्टिंग पार्टनर विवा कॉन्सेप्ट्स। सन 1959 की बात है, उस वक्त बहुत कम इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाती थी और भारत 7 साल बाद इंग्लैंड के दौरे पर जाने वाला था और भारतीय बल्लेबाजों को इंग्लिश कंडीशंस का बहुत कम अनुभव था और पहली टेस्ट मैच की चौथी गेंद सीधा आके नारी कॉन्ट्रैक्टर के छाती पे गई और नारी कॉन्ट्रैक्टर वहीं गिर गए। नारी कॉन्ट्रैक्टर ने पंकज से आके कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसके आके खेल पाऊंगा, लेकिन पंकज ने उनसे कहा कि तुम्हें कम से कम 4 ओवर खेलना है। लेकिन उसी 4 ओवर में पंकज भी आउट हो गए और पॉली उम्रगार भी आउट हुए, लेकिन फ्रैक्चर के बावजूद दूसरी छोर पे नारी कॉन्ट्रैक्टर डटे रहे। उन्होंने अपनी टीम के ज़रूरत को आगे रखा और अपने तकलीफ़ों को पीछे रखते हुए 81 रन की शानदार पारी खेली। सुनील गावस्कर अपने पहले विदेशी दौरे पे थे और वेस्ट इंडीज़ कैप्टन गैरी सोबर्स ने उनका आसान कैच छोड़ दिया और गावस्कर ने अर्धशतक जड़ दिया। अगले ही मैच में उन्होंने 2 आसान कैच छोड़ दिए और गावस्कर ने एक शानदार शतक जड़ दिया। अगले ही दिन गैरी सोबर्स भारतीय ड्रेसिंग रूम में पहुंचे और सुनील गावस्कर से कहा, लिटिल मास्टर तुम बहुत लकी हो यार, और उन्हें छूते हुए कहा, आओ थोड़ा लक मुझे भी दे दो। और उस मैच में उन्होंने नाबाद 108 रन की पारी खेली। उसके बाद वो हर बार भारतीय ड्रेसिंग रूम में आते थे और सुनील गावस्कर के कंधे पे हाथ रखते थे। उस सीरीज में सुनील गावस्कर ने 4 शतक जमाए तो गैरी सोबर्स ने भी 3 शतक जड़ दिए थे। आखिरी टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ को 262 रन की ज़रूरत थी और बल्लेबाजी से पहले गैरी सोबर भारतीय ड्रेसिंग रूम के ओर बढ़े। उनके आते देखकर अजीत वाडेकर ने सुनील गावस्कर को कहीं छुपा लिया और कहा कि सुनील गावस्कर नहीं है, और उस मैच में गैरी सोबर्स पहली बॉल में क्लीन बोल्ड हो गए। कहानी है 1956 की। 1956 में ओल्ड ट्रैफर्ड के एक मैदान में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक टेस्ट मैच खेला गया। इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड के जिम लेकर ने एक इनिंग में 10 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। एक इनिंग में 10 विकेट लेने वाले वो पहले खिलाड़ी भी बने। उस वक्त 10 साल का रिचर्ड स्टोक्स उनके 10 विकेट लेने का गवाह था। 43 साल बाद भारत के अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए 10 विकेट लिए और इत्तेफाक से रिचर्ड स्टोक्स भी उसी फिरोजशाह कोटला मैदान में मौजूद थे। कहानी है 1979 की। भारत इंग्लैंड के दौरे से वापस लौट रहा था। उस वक्त उस फ्लाइट के पायलट ने इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन का नाम अनाउंस किया। ये बात टीम मैनेजमेंट के अलावा किसी को पता नहीं थी और इत्तेफाक से उस वक्त के दोनों कप्तान उस फ्लाइट में मौजूद थे। पूर्व कप्तान थे एस वेंकट राघवन और नए कप्तान थे लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के कैप्टन का नाम एक पायलट ने अनाउंस किया जो इंडियन क्रिकेट टीम को इंग्लैंड से इंडिया ले जा रहा था। ऐसी अनसुनी कहानियां लेके लौटूंगा मैं अगले हफ्ते मेरे शो वॉट अ गूगली में। टिल देन दिस इज रोहन मुरकर साइनिंग ऑफ। चलो ओए देखो को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक भी करो, और ऐसी अनसुनी कहानियां हैं आपके पास तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे अपने शो में शामिल करने की।